हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे क्वेरी के बारे में। जो क्वेरी है वो ये है कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, 10 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। जो मेरा डाउट है वो ये है कि क्या मैं, जो मेरी फार्मेसी स्टोर है, मेरी जो शॉप है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो क्या वो फार्मेसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और अगर मेरे को ड्रग लाइसेंस लेना है तो उसके लिए फार्मेसी डिग्री कंपलसरी है या नहीं है, अगर फार्मेसी डिग्री नहीं है तो उसका क्या अल्टरनेटिव होता है। तो अगर ड्रग लाइसेंस की बात आती है तो फर्स्ट फ्लोर पे ड्रग लाइसेंस में ड्रग अथॉरिटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो आपको वहां पे ड्रग स्टोर या फार्मेसी स्टोर के लिए लाइसेंस दे देंगे। लेकिन बात यह आती है कि फर्स्ट फ्लोर पे अगर गैदरिंग है, क्योंकि मोस्टली जो केमिस्ट शॉप होती है, फार्मेसी स्टोर होती है, वो ग्राउंड फ्लोर पे एक मार्केट के अंदर हो, हॉस्पिटल के पास हो, तो उनका चलने का, उनका एस्टेब्लिश होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपकी गैदरिंग नहीं है, वहां पे स्पेशल कस्टमर आएगा कैसे, वहां पे कस्टमर कैसे आएगा, तो या वो एक रनिंग वे में है या जो भी है, वो एस्पेक्ट आप देख सकते हो कि वहां पे जो आपकी गैदरिंग है, पेशेंट या जो उसका केयर टेकर है वो आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर में मेरे को लगता है कि ड्रग अथॉरिटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ड्रग लाइसेंस इशू करने में। अब आपके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर फार्मेसी डिग्री नहीं है तो क्या अल्टरनेटिव है। तो मोस्टली जो कॉमन, एक तो कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में कि आप एज ए किसी फार्मासिस्ट को एज ए इम्प्लॉई रख सकते हो, उसका लाइसेंस, किसी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन आप यूज कर सकते हो अपने लाइसेंस के लिए, आप उसको एज ए इम्प्लॉई। देखो क्या है, अगर प्रैक्टिकली बात करता हूं तो बेसिकली रेंटेड लाइसेंस का सिस्टम काफी कॉमन है इंडिया में। तो एक एज ए इम्प्लॉई एक फार्मासिस्ट को दिखाया जाता है, उसका लाइसेंस यूज किया जाता है और उसी के नाम पे लाइसेंस लिया जाता है। या तो आप उसी तरह कर सकते हो, अगर आप और ज्यादा एथिकल वे में जाना चाहते हो तो आप किसी फार्मासिस्ट को हायर कर सकते हो जो जिसका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन हो, और उसके फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पे आप लाइसेंस ले सकते हो, उसको एक फुल टाइम एम्प्लॉई की तरह आप अपनी शॉप में, अपनी फार्मेसी स्टोर पे आप रख सकते हो। तो उसको एक एज ए एम्प्लॉई रखना आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही डाउट को मैं क्लियर करने में कामयाब रहूंगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।